हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। शर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हाय क्या डायलॉग है, मैंने ये डायलॉग तो ठस करके आ रहा है मेरे। हाय हाय, तुम लोग अगर बोलते रहते हो, तुम लोगों ने बेशर्मी का रंग देखा ही कहाँ है अभी तक। सो अब आपको पता चल गया होगा मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ। जो गाना अभी आया, पठान मूवी आ रही है, राइट? पठान मूवी आ रही है शाहरुख खान की, और शाहरुख खान का उसका गाना आया है अभी बेशर्म रंग के नाम से। अगर आपने नहीं सुना है तो गाना जाके जरूर सुनना, मैंने तो सुना है। अब मुझे किसने बताया, हाँ कोई इसके बारे में बात कर रहा था, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी, तब मैंने जाके देखा, वरना मुझको पता ही नहीं था कौन सा गाना आ रहा है नहीं आ रहा है। So anyways, I went and I listened to it. अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? तो मैंने आपको बताया कि वैसे ही कंट्रोवर्सी चल रही होती है, अभी थोड़े से पहले लाल सिंह चड्ढा आई जिस पर मैंने बात की थी। तो इंडिया में एक सेंटिमेंट चल रहा है कि जितने भी बॉलीवुड के खान हैं, जो मुसलमान हैं, वो डबल स्टैंडर्ड का गेम खेलते हैं, राइट? अपनी रिलीजन के बारे में इतना कुछ नहीं करते, ना मूवीज बनाते हैं, मगर हमारी रिलीजन के ऊपर बोलते हैं, राइट? ऑल दिस स्टफ, व्हिच इन अ वे आई कैन अंडरस्टैंड, सर्टेन डिग्री में एग्री करती हूं उस चीज से। अगर खान सब खान के ऊपर बात कर जाए तो सैफ अली खान है, और आमिर खान ने भी थोड़े स्टेटमेंट किए, तो सीधी भी ने स्टेटमेंट मारा था कि ओह मुझे इंडिया में सेफ नहीं फील करती, व्हिच इज काइंड ऑफ स्टूपिड। But anyways, मतलब शाहरुख खान हो जाए या सलमान खान हो जाए ना, तो मैंने उनको इतनी कंट्रोवर्सी में आते भी नहीं देखा। सलमान खान की तो कंट्रोवर्सी जो बनी थी वो भाई लोग वो रेस्ट हो गए थे, तो वही उनकी कंट्रोवर्सी थी, मगर इसके अलावा मैंने कोई उनकी कंट्रोवर्सी ऐसी बनती हुई देखी नहीं। शाहरुख खान की तो मैंने कोई कंट्रोवर्सी ऐसी बनती हुई देखी। सो आई डोंट नो, इट कुड बी। हाँ ये बात तो है कि शाहरुख खान जो है वो अगर हिंदू धर्म पे भी इतना वो उन्होंने किया है, आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे बता दीजिएगा अगर आपने देखा, मगर वो जो इस्लाम है उसके ऊपर इनमें से कोई मूवी नहीं बनाता है, ये बात तो मैं आपको देखती हूँ, इतना तो मैं कहूँगी। ठीक है, बट ये कैसे मैं बोलूँ इस चीज़ को, क्योंकि कंट्रोवर्सी इसलिए चल रही है कि हाँ ये मुसलमानों को भी टारगेट नहीं करते और इन्होंने हिंदुओं को ज्यादा टारगेट किया हुआ है, यू नो। तो फॉर एग्जांपल दीपिका ने एक ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनी, पहले तो एक सेकंड, पहले तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इससे पहले कि हम दीपिका की बिकिनी पे जाएंगे, आई एम लाइक डिड यू सी दीपिका, डिड यू सी दीपिका, आई वाज लाइक वो होती है फाइन वाइन की तरह दीपिका जो है वो और ज्यादा खूबसूरत होती है यार, उसकी बॉडी देखो, शी लुक्ड सो डैम हॉट इन दोस बिकिनीज, पहले तो वो येलो वाली और गोल्डन वाली, ओह मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगी यार। आई वाज फिर शाहरुख खान की एंट्री हुई है, शाहरुख खान भी टॉपलेस, उफ शाहरुख खान के 8 pack, उफ 6 pack थोड़ी था, 8 pack था, उफ उफ क्या हॉट सीजन गाने। अगर आपने वो गाना नहीं देखा है तो गाना स्टार्ट होता है और मेरे पास मॉरिशस वगैरह में या मालदीव में मुझे लग रहा है शूट किया गया, बड़ी खूबसूरत सीनरी है उसमें, दीपा चलती हुई आती है बिकिनी में और येलो बिकिनी में, उफ उफ। और फिर उसके बाद जो है गाना जो है वो शुरू होता है, तो दीपिका जो है वो घोड़े की तरह या गधे की तरह चारों चीज ऑन हर फोर लाइक डॉगी स्टाइल में वो यूं करके अपनी कमर के झटके लगाती हैं, टिक टिक फिर गोल घुमाती है, फिर टिक टिक फिर गोल घुमाती है, फिर टिक टिक फिर गोल घुमाती है। तो आई थिंक इट्स अ रियली थैंक यू रतन सिंह, थैंक यू सो मच, मगर नो दीपिका इज हॉट, आई थिंक मैं एक औरत होने के नाते आई थिंक शी इज हॉट, और उसकी बॉडी जो है शी इज वेरी हॉट। कैसी वाली जी, मैं ठीक हूं, कहां चले गए मेरे फेसबुक वालों, तुम लोग यार तुम लोग तो यहां से निकलो, ये व्हाट इज हैपनिंग टू माय फेसबुक यार, लोनत सीरियसली क्या हो गया ये। सो एनीहाउ दीपिका लुक्स हॉट, गाना मैंने सुना, अच्छा अब गाना जो है वो पुराना एक गाना है आपको याद होगा, उसका ये रीमेक किया है, ज्यादातर गाने जितने भी आ रहे हैं ना बॉलीवुड में वो रीमेक्स ही आ रहे हैं, या फिल्में भी आ रही हैं तो रीमेक्स आ रही हैं, क्योंकि कितनी स्टोरीज होंगी लोगों के पास, कितने ट्यून्स निकालोगे, राइट? उनको करो कितना करोगे, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोना रन आउट ऑफ इट एंड यू आर गोना हैव टू मेक रीमेक्स ऑफ शिट एंड स्टफ। मगर पुराने जमाने के गाने होते भी बड़े अच्छे थे, तो उनकी रीमेक्स होती है, ऑफ कोर्स पीपल लाइक इट, आजकल के जनरेशन उनको पसंद आ रहे हैं। तो गाना कौन सा गाना था, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, गोरे गोरे बाल, आई मीन गोरे गोरे बालों ने, काले काले बालों ने, ऐसी गाना है, राइट? तो इसमें जरा सा उन्होंने इसने कहा कि हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, इसी तरह से कुछ ऐसी है, यू नो। बट एनीहाउ रीमेक है, गाना इज हॉट, आई लाइक द म्यूजिक, आई लाइक द बीट, आई लाइक
होल थिंग मुझे गाना बहुत पसंद है. आई नो मुझे लोग बहुत गालियां देंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाई दी है और ज्यादातर लाइक जो आई वुड से कि हिंदूज हैं उन्होंने कंट्रोवर्सी बनाई है और वो कह रहे हैं कि इसको बैन करो, व्हाटएवर बैन करो नहीं करो. मगर आप लोग एक काम मुझे बताओ, ये लोग पता कितना पैसा खर्च करते हैं, बॉलीवुड वाले हो जाए हॉलीवुड वाले हो जाए, ये लोग इतना पैसा खर्च करते हैं इन प्रमोटिंग मार्केटिंग करने में, अपनी मूवी आ रही होती है या जो भी हो रहा होता है उसको इतनी मार्केटिंग करने के लिए उनको बहुत पैसा लगाना पड़ता है. मगर अब क्या हो गया, अब उनको पैसा लगाना नहीं पड़ता, आप उनको ट्रेंडिंग पे डाल देते हो, पठान आने से पहले वो ट्रेंडिंग हॉट हो रही है. अच्छा मूवी आने से पहले अब ये ड्रामे भी करते हैं ना हमारे एक्टर्स, ड्रामे भी तो करने होंगे ना, पढ़ते हैं ड्रामे करने पड़ते हैं. मैं इंडस्ट्री में रही हूँ, मुझे पता है कितने ड्रामे पेलने पड़ते हैं. तो पता ये है कि पहले शाहरुख खान हज करने गए, पता नहीं उमरा करने गए, वो कहीं ऐसी जगह गए दिखाने के लिए मुसलमान होंगे देखो मैं कितना बड़ा मुसलमान हूँ, फिर वो अपने मंदिर गए वहाँ पर ताकि वो हिंदुओं को दिखाने के लिए देखो तुम लोगों को बैलेंस करना, बैलेंस करना विच इज गुड आई थिंक. फिर उनको एक चर्च भी जाना चाहिए था, आपने अगर बैलेंस करना है इफ यू हैव टू बैलेंस लाइक बिटवीन एवरीबॉडी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान थोड़ी है ना, फिर क्रिश्चियंस भी तो है ना, तो पारसी भी है भाई, आपको सारी जगहों पर जाना चाहिए. गाली शाली बको किसको गाली दूँ, नो लाइक शाहरुख खान स्लैश दीपिका, यू डोंट लाइक शाहरुख खान दीपिका, यू हैव टू ईच देयर ओन. ओ ये क्या एक सॉरी सुपर चैट आई थी यहां पे, थैंक यू राघव जी सच वाला सर इस्लाम का खतना. OMG you would have rocked it my goddess, rocked what, क्या रॉक कर दिया यार फेसबुक, क्या हो गया मेरी फेसबुक को, मुझे फेसबुक वालों को कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या हो क्या गया. My thousands of viewing has gone down to like 50 people now. This is like crazy. I just don't understand कि क्या shadow ban कर दिया है, मेरी reach बंद कर दिया है, sharing तो हो रही है, but it's just so लेकिन गाली में उसको बकूंगी ना, कोई गाली आके देगा तो बकूंगी ना. So anyways गाली के ऊपर हम बात कर रहे थे, let's get back on that. तो क्या क्या पॉइंट्स थे मैंने बताया आपको, एक तो मैंने आपको बताया कि वैसे ही क्योंकि वो मुसलमान है तो उनको बायकॉट किया जा रहा है, दूसरी ये बात कही गई है कि उसमें जो है वो जो येलो रंग की ऑरेंज रंग की जो बिकिनी पहनाई गई है वो हिंदुओं को टॉन्ट करने के लिए पहनाई गई है, और उसने क्या कहा, और ये बहुत फहाशी वाला गाना है, ये बड़ा फहाश गाना है, इसमें दीपिका को इतना नंगा धुंगा क्यों दिखाया है, यू नो, और क्या, हाँ और शाहरुख खान को पता नहीं क्या जरूरत थी, ये बंदा फैमिली के साथ कोई देख ही नहीं सकता है, यू नो सिस्टर आप बेबी को डॉक्टर बनाओ, दैट अ पब्लिसिटी स्टंट नथिंग एल्स. फेसबुक का शैडो बैन कर दिया है फेसबुक, हाँ फेसबुक का मेरी शैडो बैन कर दिया, बिग टाइम यहाँ पे इतने सारे लोग होते थे अब तो आए ही रहते, मैं ईमेल करूंगी आज बैठ के, दिस इज लाइक पैथेटिक. सो क्या बात कर दिया तुमने, मेरा थॉट जो था ना प्रोसेस वो इधर उधर करवा दिया नगेंद्र पांडे. अच्छा यूट्यूब वालों आप लोग तो शेयर कर लो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे भगवान के नाम पे, जिसको भी मानते हैं उसके नाम पे आप शेयर करिए, जल्दी जल्दी शेयर करो, लाइक करना मत भूलिएगा गाइस, लाइक भी कर दीजिएगा. हाँ नहीं नहीं बात कर रही थी कि फैमिली का गाना है और छोटे कपड़े पहना दिए हैं और ये बातें तो वुमेन करते हैं, अरे ये वही बातें जो पाकिस्तान में हो रही होती है, ये बातें तो पाकिस्तान में करते हैं, छोटे कपड़े पहनाती हैं हम कैसे देखें भाई. देखो यहाँ पे एक सेट है ठीक है ना, कोई मूवी आती है ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये पीजी क्या है, पेरेंटल गाइडेंस 13 प्लस है, ये 8 प्लस है या ये आर रेटेड है, वो आपको रेटिंग मिलती है ताकि आप अपने बच्चों को ना दिखाएं. ये कौन सी जहालत है कि ओ ये बच्चे दिखाती है, तो बच्चों को वैसे भी नहीं दिखाना चाहिए आपको, मैं भी बच्चों को बॉलीवुड के गाने नहीं दिखाती हूँ, या मेरी बेटी को मैं अपने देख के दिखाती हूँ कौन से गाने दिखा रही हूँ, अब मैं वो देखी मैंने आज का जो है वो क्या है रैप वॉप व्हाटएवर है वो नहीं दिखाऊंगी उसको अभी, ऑफ कोर्स आई वोंट शो इट. ये तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है ना कि पेरेंट्स क्या दिखा रहे हैं, अडल्ट्स हम, मैं जैसे एक ग्रोन अप हूं तो मैं ग्रोन अप चीजें भी नहीं देखूं, मुझे गाना अच्छा लगा बड़ा हॉट था, आई लाइक द सॉन्ग, मुझे ऐसे आइटम सॉन्ग बड़े पसंद आते हैं मुझको, आई डोंट नो आई लाइक ऑल दीस ठुमके वाले गाने, सेक्सी गाना था कुछ सेक्सी गाने बनते हैं यहाँ पर भी हम लोग जो गोरों में देखते हैं कालों में देखते हैं R&B सॉन्ग्स, चंद गाने होते हैं जिसको कहते हैं लव मेकिंग म्यूजिक, जिसपे आप बेबी मेकिंग बनाते हो, जिसपे आप सेक्स करते हो, क्योंकि वो ऐसे हॉट हॉट से सॉन्ग होते हैं, उनको पिक्चराइज भी बड़े उसमें अच्छे तरीके से किया होता है, पूरा वो नहीं दिखा रहे होते, नॉट अ पॉइंट मूवी, मगर इट इज समथिंग वो दिखाते हैं, यू नो किसिंग दिखा दी, सेंसुअल यू नो सीन्स, तो ग्रोन अप के लिए होते हैं ना, बच्चों को देखने भी नहीं चाहिए, तो ये क्या बात कि हम भी मजे ना लें, हमारे मजे भी तुम लोग छीन लोगे, छोटे छोटे से हमारे मजे यार, मर खप के चले जाने, थोड़ा सा एंजॉय कर लेने तो लोगों को, यू नो छोड़ दो शाहरुख खान को बेचारा, वो हो भी गया कितना, यू नो एज हो गई उसकी. अच्छा तो फिर दूसरी चीज उस पर बात करते, शाहरुख खान ने जो सिक्स पैक पहना है वो सिक्स पैक जो है वो फेक है, मैं ट्विटर को होती हूँ, ट्विटर को होते हैं, ट्विटर पे हमको बहुत सारा माल मिलेगा, ट्विटर पे सारी बातें चल रही होती Your account is suspended. अच्छा तो हम देखते हैं यहाँ पे शाहरुख खान का नाम टाइप करके देखते हैं, and then we will see what is going to show. Fake शाहरुख खान fake six pack. वैसे शाहरुख खान इसमें बिल्कुल जॉनी डेप लग रहा है. हाँ मैं दिखाती हूँ आपको. He looks exactly like Johnny Depp. And I like शाहरुख खान. Even though he's not the best looking guy, शाहरुख खान खूबसूरत नहीं है. उसने खुद बोला मैं कोई खूबसूरत बंदा नहीं हूँ. वो खुद बोल चुका है. He's not. मगर उसकी वो जो personality है ना. चंद मर्दों की पर्सनैलिटी होती है, जॉर्ज क्लूनी है, ही इज नॉट वेरी गुड लुकिंग गाय, मगर उसका एक पर्सोना है, एक प्रेजेंस है, यू नो लाइक लुक एट दैट, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फिल्टर्स लॉट ऑफ दैट, मगर फिर भी लाइक जॉनी डेप भी इतना हॉट नहीं है, मगर उसका वो जो गेटअप था ना उसका पायरेट ऑफ द कैरिबियन का, ओ VFX की मदद से 6 पैक निकाल रहा भाई. मुझे भी बता दो किस तरह से VFX की तरह ये बनते हैं यार, मेरे को बताओ, मैंने भी
पीछे निकी मिनाज की तरह अपनी बिहाइंड करके घूमो, अपने वीडियोस बेचो, यू नो, उसका भी कटा हुआ है किसका? शाहरुख खान का। वो तो आपको गौरी खान से पूछना पड़ेगा भैया, इसका तो मेरे को नहीं पता, इतनी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं रखती। अब कभी शाहरुख खान ने दिखाया ही नहीं, अच्छी चीजें दिखाती नहीं है, इनको पता नहीं क्या हो जाता है। सीरियसली काम वाली चीजें दिखाई नहीं है, इसी में रोला डाल दिया। इमेजिन करो शाहरुख खान ने कुछ दिखा देना, जैसे रणवीर कपूर, कौन था, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह इसे वो फोटोशूट कर दिया था तो फिर वो भी सर पे उठा दिया तो वो सभी पागल हो गया यार। मैंने कहा काम की चीज दिखाई नहीं, जो दिखाने वाली चीज थी वो दिखाई नहीं, फिर भी लोग जो है उसके ऊपर वो हुए। कहाँ है यार फेक सिक्स पैक, कहाँ है? मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ होगा शाहरुख खान खान क्या हो गया मेरे थ्रोट पर, फेक सिक्स पैक। हाँ यहाँ पे यहाँ पे जरूर दिखेगा हमको, फेक डेली मोशन वाले कह रहे हैं फेक है, फेक है, फेक यार। सो थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दो, यानी जो भी है फेक है, मगर फिर भी बंदे ने अपने आप को शेप में तो रखा है ना। अच्छा बंदे ने अपने आप को शेप में तो रखा है ना, सबसे ज्यादा बैठ के जितना मोटा बंदा होगा ना, इतनी बड़ी तोंद, इतनी बड़ी तोंद, दांत नहीं, कपाल नहीं, तो कुछ नहीं, वो बैठ के बोलेगा फेक है फेक, काले फेक, फेक सिक्स पैक करके आ जाता है। बैन करो इसको, बैन करो इसको, हम इस पर ट्रेन चलाएंगे। बेचारे की जान छोड़ दो, चार साल बाद बेचारा है शाहरुख खान, उसकी लेगेसी है। थैंक यू एक्स सफिया जी, क्या हाल है आपका, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच। Can you call Shahrukh Khan, Shahrukh to Canada? He is feeling scared in India by Hinduism. अच्छा उसने बोला है? उसने भी बोला है कि वो भी scared feel कर रहा है। आप लोग भी तो पीछे पड़ गए ना उसके। आप लोग भी तो पीछे पड़ जाते हो ना, जहाँ बॉलीवुड में खान की मूवी आती है, वो देखो लाल सिंह चड्ढा आई, मैंने देखी नहीं मूवी। हालांकि मैंने कोई बाइक वाइक भी नहीं की थी, मैंने वैसे ही नहीं देखी, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट गंप मूवी थी ना, वो इतनी स्लो मूवी थी, मेरे पास 3 घंटे नहीं है मैं बैठ गई स्लो मूवी देखूं, मेरे पास वैसे टाइम नहीं होता मूवी देखने का, सो आई डोंट हैव टाइम। ओह थैंक यू अहमद मेहता जी, थैंक यू फॉर द 200 स्टार्स, थैंक यू सो मच। जरा सीधे होकर बैठे, तो क्या मैं लेट ही हूँ, लेट के बैठी हूँ, क्या हो रहा है आपको, क्या देखना क्या आपने, सीधे होकर बैठे। मैं वो मूवी देखी, मेरे पास टाइम नहीं होता, मगर आप लोगों ने उसकी पब्लिसिटी बड़ी कर दी थी। आई मीन मुझे नहीं पता किसी कितने पैसे कमाए कि नहीं कमाए, मुझे एक तरफ से पता चल रहा था कि पैसे नहीं कमाए, दूसरी तरफ से कोई कह रहा था उन्होंने पैसे कमाए, यू नो, लेफ्ट की न्यूज़ कह रही थी पैसे कमाए, राइट की न्यूज़ कह रही थी पैसे नहीं कमाए, एंड आई वाज जस्ट लाइक इन द मिडल, पता नहीं पैसे कमाए कि नहीं कमाए, आई हैव नो आईडिया। मुझसे आप बात ही नहीं करती हैं, आपसे बात करेंगे आप, हमारे इंसान आपसे बात की जाएगी। सो शाहरुख खान और आमिर खान को इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया तो कोई चीज़ ही नहीं है, यू नो, थैंक यू एक्सप्लेन सफिया। इस्लामोफोबिया तो कोई चीज़ नहीं है, तो आप लोग पता नहीं इस्लामोफोबिया बात बीच में ले आते हो, मगर आप ड्रामे कर रहे हैं, आप उनको बायकॉट करो, व्हाटएवर इट इज, जो आपका वो चक्कर है ना, जो आप समझ रहे हो कि देखो वो सैफ्रॉन कलर उसने पहना था, मैं क्योंकि रिलीजन पे बिलीव नहीं करती हूँ, तो मुझको वो चीज़ नहीं दिखी उसमें, मुझे एक अच्छा गाना दिखा, मुझे अच्छे लिरिक्स दिखे, मुझे एक हॉट 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 लड़की दिखी उस पर, और मुझे उसके साथ साथ जो है शाहरुख खान भी दिखा, जो कि मेरा बचपन का क्रश है, अब मैं चाहे वो कितने भी बुढ़ा हो जाए, यू नो, जिन लोगों के लिए अमिताभ क्रश हुआ करता था बैक इन द डे, या धर्मेंद्र क्रश हुआ करता, धर्मेंद्र को देखा था क्या खूबसूरत चीज़ थी यार, ही वाज सो हॉट, जो ये सारे एक्टर्स होते थे तो उनके ऊपर जिन औरतों का क्रश था या जो भी था, इट नेवर फेड्स अवे, वो चाहे कितने ही बूढ़े हो जाएं, उनके वो जो चार्म होता है, अमिताभ को देखो ग्रेस है उसका, यू नो, हालांकि उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी है, मगर आई एम जस्ट सेइंग जो शाहरुख खान मेरा क्रश है, तो आई विल ऑलवेज लाइक हिम, आई नो उसको नहीं करना चाहिए, बट आई लाइक हिम एज एन एक्टर, गाना मुझे एज अ सॉन्ग पसंद आया, आई मैंने तो रिपीट पे, और लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग जो मुझे सबसे अच्छा लगा है, और वो जो मुझको सूट करता है, उसमें मैंने कहा ना कि मेरा ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे दिल की बात कर दी है, कि नशा चढ़ा जो शरीफी का, सुनिए दोबारा से, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, ये हमको जो नशा चढ़ा हुआ होता है ना, ये धुन चढ़ी हुई होती है इस्लाम की हमको, जब उसको आप उतार के फेंकते हैं, फिर लोग आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपको, मुझे क्या कहते हैं लोग, है ना, ओ लकीर की देवी, ये तो यूं दिखाती है, ये तो यूं करती है, ये तो बेहयाई फैला रही है, ये तो बड़ी बेहया औरत है, यू नो, इसको ऐसे होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, इसकी शादी नहीं हुई, इसका बच्चा है, इसकी माँ ये थी, उसकी माँ वो थी, हजार मुंह हजार बातें, राइट, तो नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग अभी देखा कहाँ दुनिया वालों ने, अभी तो बाकी है, अभी तो हम बेशर्मी पे स्टार्ट हुए हैं। अच्छा तो वो जो मूवी बारे में आपको बता रही थी, तो उस पे किसने रिव्यू किया, क्या नाम है यार उसका, मुझे खुद याद नहीं रहता उसका नाम, क्या नाम है उसका यार, ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट हिज नेम, मैं खुद भूल रही हूं, इतना इंपॉर्टेंट बंदा नहीं है ना वो, ही इज अ बिग नेम, क्या नाम है यार उसका, ओह माय गॉड, इट्स लाइक केपी, नो नॉट केपी, क्या नाम है उसका यार, मुझे बहुत बॉलीवुड के अगेंस्ट बातें करता है, उसको उठा भी लिया था, तुम लोग बताओ मुझको क्या नाम है उसका, इज एन इंडियन गाय, कपिल शर्मा नहीं है, क्या नाम है उसका यार, वो एक्टिंग करता था, फिर वो बहुत रिव्यूज करता है, कमान आप नहीं, कमान पंडित, तुम्हें तो पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, केआरके, हाँ केआरके, तो केआरके ने इस पे रिव्यू किया, ठीक है, चलो केआरके ने इस पे रिव्यू किया, एंड आई लाइक दैट्स फाइन, ठीक है, आपने जितना बुरा कहना है कहो, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोलो जो भी है, मगर यार केआरके साहब आप तो इतने बड़े रेसिस्ट निकले, बंदा पूरा रेसिस्ट निकला है, यानी ही इज कहता है कि दीपिका को आपने अपनी हीरोइन जो इतनी काली है उसको सामने खड़ा कर दिया, अब पीछे गोरी लड़कियों को खड़ा कर दिया, आपको जो आपकी हीरोइन की कमी है उसको छुपानी चाहिए थी, यार
हद होती है, यानी उसका रंग सांवला है, पहली बात तो वो कली भी नहीं है, वो सांवली है, तो उसके रंग को तुम कह रहे हो उसकी कमी है वो। ये मेंटालिटी आज भी देख लो इंडिया में भी है कि आपको रंग से जज किया जा रहा है कि अगर आप गोरे हो तो खूबसूरत हो, काले हो तो आप बच्चूरत हो। दिस इज हाई थिंग ऑफ रेसिज्म, यार समझ में नहीं आ रहा। दूसरी जो बातें की उसके ऊपर पे उसके रंग पे काफी देर तक बात की, अभी ब्लैक ये ब्लैक वो ब्लैक दिस ब्लैक दैट, एंड आई एम सरप्राइज कि पता नहीं किसी ने इसको कॉल आउट किया अभी इस पे कि नहीं, कि ही इज बीइंग सो एफिंग रेसिस्ट। जो भी है उसके जो भी रंग है, यू नो यहाँ पर कितनी लड़कियां होती हैं, यहाँ पर जो हमारे ब्लैक परफॉर्मर्स हैं सिंगर्स हैं उनके पीछे कोई लड़कियां डांस कर रही होती है तो क्या उसमें खराब हो जाता है, यानी कहाँ से लेकर आते हैं, कहाँ के लोग हैं ये, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, जस्ट बिकॉज ही हैज टू से समथिंग ही विल से एनीथिंग। जिसको उसने कुछ बोलना था, शाहरुख की बेटी भी काली है, काली नहीं वो सांवली है, कला एंड सांवला इज डिफरेंट। मगर मतलब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कला होना या सांवला होना इट्स नॉट अ गुनाह, या आपने उसको जो है वो ब्यूटी का स्टैंडर्ड बना दिया है। क्यों? क्योंकि आप गोरों के अभी तक स्लेव्स हो, आप दिमाग में अभी तक गोरों के स्लेव्स हो। गोरे आए थे जिन्होंने आपके दिमाग में ये डाला था कि गोरी चमड़ी जो है ना, गोरा रंग जो है, वो लोग ज्यादा बेहतर होते हैं और खूबसूरत होते हैं, और जो काले रंग के होंगे या सांवले रंग के लोग होंगे वो बदसूरत होते हैं। और ऐसी बात है नहीं, जो दीपिका के फीचर्स है ना, यू सी दोस फीचर्स एंड एवरीथिंग, और ये जो है क्या कहते हैं एक इंसान की फितरत है, आपकी कर्ली बाल है ना, मेरे मुझे स्ट्रेट बाल चाहिए, जिसके स्ट्रेट बाल होंगे ना उसको कर्ली चाहिए होंगी। अब हमारे वहाँ पर क्या होता है, लोगों का रंग सांवला होता है तो वो क्रीम लगा लगा के ठोक ठोक के गोरा कर रहे होते हैं आपको, या गोरों का ये हाल है यहाँ पे सन में बैठ के वो टैनिंग कर रहे होते हैं ताकि उनको स्किन कैंसर हो जाए, ताकि वो ज्यादा डार्क हो जाए। दिस इज द थिंग, आपका जो कलर है, आपका जो भी चीज है उसको एम्ब्रेस करो, यू शुड एम्ब्रेस योर कलर। मैं अब जो मुझे पहले मैं धूप से होती थी, धूप में निकलन न करो रूप की रानी, मगर अब मैं धूप में हूं, लेटी भी होती हूं, टैनिंग कर रहे होते हैं। करना मत भूलिएगा, इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।